तो जयप्रकाश जी तो आश्वस्त हैं, चार दो पार बोल रहे हैं बहुमत भी नहीं पाएंगे, पर शरद त्रिवेदी जी इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या शरद जी? और जयप्रकाश जी अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, उदाहरण सही समझा रहे हैं। बोले देखो भाई, 5 साल पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था ना, आपकी बार 75 बार बोला था, 45 भी पार नहीं किए थे, जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए था हरियाणा में। क्या कहते हो शरद जी? हम जयप्रकाश जी से पूछ रहे थे, डर तो नहीं गए प्रधानमंत्री जी के भाषण से, अब आपसे पूछ रहे हैं, जयप्रकाश जी की दलील से आप तो नहीं डर गए? नहीं हिमांशु जी, जयप्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके कथन में कुछ त्रुटि है। कि देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, तो इनको छोटे दलों से समझौता करने की क्या जरूरत थी? तो इंदिरा गांधी का क्या कद था 79, 80 में, 81 में? लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने पंजाब का सत्यानाश किया, क्या अकालियों के साथ किया था और क्या उन्होंने भिंडरांवाले के साथ किया था, वो कहानी खत्म हो चुकी, तो हम उसे दोहराना नहीं चाहते हैं। जी तो ये राजनीति है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि साहब देखिए, सरकारी नौकरियां नहीं दी, तो ना माननीय मोदी जी ने ना किसी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। हमने कहा था अर्थव्यवस्था को इतना सुदृढ़ सशक्त बनाएंगे कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और आप देखें कि 12 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन थे इसमें पीएफ में, ईपीएफ में, वो 27 करोड़ हो गए। तो बिना ईपीएफ में बिना नौकरी के नहीं कोई पैसा देता, क्योंकि उसमें आधा पैसा जो नौकरी देता है वो देता है और आधा पैसा जिसको नौकरी मिलती वो देता है। तो उसमें जो 50% का कंट्रीब्यूशन, वो तभी होता है जब वहां नौकरी मिलती है। और दूसरी चीज ये है कि जो देश सरकारी नौकरियां दे रहे थे वो देश इतिहास के पन्नों में चले गए, जो कंपनियां सरकारी नौकरियां दे रही थी वो इतिहास के पन्ने में चली गई। और इसमें हम कहीं शामिल नहीं थे। नेशनल जी टेक्सटाइल कॉरपोरेशन आज कहां पर है? एयर इंडिया 1 लाख करोड़ जो उसमें बर्बाद हुआ है, वो इमरान साहब का भी पैसा है, वो डॉक्टर साहब का भी पैसा है, मेरे मित्र और मेरे बड़े भाई जयप्रकाश जी का भी पैसा, प्रेम कुमार जी का भी पैसा उसमें लगा है। 1 लाख करोड़ हमारे पैसे बर्बाद हुए हैं, कोई दान में नहीं किसी ने दे दिया था, सरकार ने हमारे पैसे जान के बर्बाद किए थे। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड आज कहां पर है? वो तो भारतीय जनता पार्टी जिस साल आई थी उसके 5 साल के अंदर अंदर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ही खत्म हो गया था, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट था। तो सरकारी नौकरियों का समय खत्म हो चुका है। जिन लोगों को प्राचीन काल से प्रेम है, जिनको जो प्राइवेट समाजवाद चल रहा था, एक जाति और एक जो परिवार का जो समाजवाद था, उस समाजवाद में सरकारी नौकरियों का समय था। अब जी सरकारी नौकरियों का समय खत्म हो गया है। और जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है, उसमें अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग, तो जी जो हमारे लोग, जो हम लोग बना रहे हैं, हमारी जनता उसको खा रही है। जो जी हम लोगों ने कहा था, एक हमारा बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहा था करके दिखा दिया। 10 साल में हम अर्थव्यवस्था को 10वीं से 5वें पायदान पे लाए।